नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह कहीं न कहीं आप लोगों का एक प्रश्न है। जी हाँ, उस प्रश्न को ही मैं दोहराता हूं जो क्वेश्चन मेरे से YouTube पे किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर गाड़ी का लोन जो है वो डिफॉल्ट हो चुका मेरा, सॉरी गाड़ी का जो किस्ती है वो टूट चुका है और मैं डिफॉल्टर हो चुका हूं, और इस डिफॉल्ट की कंडीशन में मैं सोचता हूं गाड़ी सरेंडर कर दूं तो इसका क्या परिणाम होगा। तो इसलिए मैंने टाइटल बनाया है कि इस वीडियो को देख लो तो गाड़ी सरेंडर कर नहीं करोगे कभी भी, ताकि क्यों नहीं करेंगे या गाड़ी सीज होता है तो क्या होता है, सारी बातों को मैं समझाता हूं कहां से, जब आपने लोन लेने के लिए गया कहां पे, बैंक में या NBFC में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में। तो समझिए इस बात को, हमारे बिहार यूपी झारखंड में एक प्रथा क्या है कि हमने गाड़ी लिया आपसे, जब गाड़ी जब तक चलाए चलाए, जब लोन नहीं दे पाए तो हमने क्या किया, गाड़ी को सरेंडर कर दिया कि या तो कॉल कर दे भैया अपना गाड़ी लेके जाओ हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो आज अच्छे से समझिए इस चीज को कि गाड़ी जब आप लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी कहां तक बनती है, सरेंडर करने के बाद क्या लायबिलिटी खत्म हो जाती है, क्या आपका सिविल सही हो जाता है, क्या आपको NOC मिलता है या नहीं मिलता है, या गाड़ी आपकी सीज हो जाती है यानी इंपाउंड कर लेती है कंपनी, या यूं कहें गाड़ी आपके दरवाजे से खींच ली जाती है, या रोड पे गाड़ी को सीज कर लिया जाता है कंपनी के सीजर के द्वारा, तब क्या होता है। चलिए शुरू से समझिएगा और जहां दिक्कत वहां पॉज कर दीजिएगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे बिहार में। टॉपिक का नाम है व्हीकल सरेंडर, जब आप गाड़ी को सरेंडर करते हैं या गाड़ी को इंपाउंड या सीज कर लिया है, तो दोनों सिनेरियो में ये लागू होगा। व्हीकल लोन में, व्हीकल लोन मींस कोई भी लोन, चाहे वो CTG प्रोडक्ट हो, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गुड्स जिसको बोलते हैं, ट्रक हो, हाईवा हो, JCB हो एक्सेट्रा, या आपका पर्सनल गाड़ी हो, कार लोन हो जिसमें आपका कार आता है, डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट्स की कार होंगे, या उसमें ऑटो लोन हो या ट्रैक्टर लोन हो, सारे लोन सारे तरह का, चाहे बाइक हो, स्कूटी हो एक्सेट्रा। चलिए आपका मन हुआ गाड़ी लेने के लिए कहां जाएंगे, या तो बैंक जाएंगे या तो NBFC में जाएंगे, आपको सिविल स्कोर चेक किया, एवरीथिंग इज ओके, नाउ दैट कंपनी और NBFC इज एग्रीड या सहमत हो जाता है आपको लोन देने के लिए, सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया गाड़ी। जी नहीं, सिर्फ गाड़ी ही नहीं मिलती है, समझिए और क्या क्या मिलता है, आपकी लायबिलिटी भी बनती है यहाँ पे, जो रुपया आपने लिया है आपका क्या होगा, टेन्योर डिसाइड होगा, कितने टेन्योर के लिए है, कितने महीने के लिए, कि ये किस्ती कितना किस्ती देना पड़ेगा आपको, उस समय क्या चेक हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 100 रुपया आपने लिया, 12% 14% 17% जो भी रहा उस समय में, वो आपके क्या होगा, इंटरेस्ट उसमें जुड़ेगा और कई तरह के उसमें सर्विस चार्ज जुड़ते हैं, सारा अमाउंट बन के क्या होगा आपका, वो आपका हो जाएगा मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ये नहीं कि 100 रुपए लिए तो 100 रुपए ही प्रिंसिपल अमाउंट होगा, बिल्कुल नहीं। टेन्योर हो गया, मान लीजिए कि आप लेते हैं 36 महीने के लिए, 3 साल के लोन लिए, जितने कम समय के लेंगे लोन EMI का अमाउंट उतना ज्यादा होगा और आपका इंटरेस्ट उतना कम देना पड़ेगा। तो गाड़ी का लिए प्रिंसिपल अमाउंट डिसाइड हो गया, सारा चीज जुड़ के फिर बनेगा क्या, EMI अमाउंट, आपका EMI जो है मंथली इंस्टॉलमेंट कितना देना होगा, मान लीजिए यह हो गया A और आपका टेन्योर क्या हो गया बी टेन्योर्स तक, यानी बी मंथ्स तक आप यदि ए देते हैं तो क्या हो जाता है, गाड़ी का आपको NOC मिलता है, गाड़ी आपकी हो जाती है, जो हाइपोथिकेशन चढ़ा हुआ होता है कंसर्न बैंक का DDO ऑफिस में, जो हाइपो चढ़ा तो वो हट जाता है, गाड़ी का रियल ओनर हो जाते हैं। ये नहीं कि गाड़ी लिए चलाए तो तक आपकी गाड़ी नहीं, उस समय गाड़ी हाइपो पे होता है, हाइपो मीन्स हाइपोथिकेशन चढ़ा होता है, ऑल दो यू आर रनिंग दैट व्हीकल, बट दैट व्हीकल रियल ऑनर इज दैट कंपनी हु हैव अवेल्ड यू और हु हैव प्रोवाइडेड यू दैट लोन, ठीक है। तो ये गाड़ी लेके निकले आप और आप 2-3 किस्ती 5 किस्ती 6 किस्ती दिए, कोविड आ गया या घर में कोई दुर्घटना हो गई या किसी का, या आप जानबूझ के देना नहीं चाहते हैं, जो भी सिनेरियो बना हो आप बन गए क्या, डिफॉल्टर, आपका लोन डिफॉल्ट कर जाता है। डिफॉल्ट करने पे आपके साथ क्या क्या सीन होता है, क्या क्या ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, आप जितना दिन तक का गिरा हुआ था वो फाइन लगा के आप दीजिए और आप लोन को फ्रेश कर लीजिए, उसके बाद आप फिर से किस्ती देते रहिए पर मंथ। दूसरा विकल्प है आपके पास कि आप जाइए पेमेंट ऑफ फोरक्लोज अमाउंट, आपको लगे दो दिन ब दिन जो है रुपया बढ़ता जा रहा है, समस्या बढ़ता जा रहा है, क्यों ना हम एक बार रुपया उठा ले लोन पे दूसरी जगह से, या किसी दोस्त से लोन ले लें, रिलेटिव से लोन ले, उसको फोरक्लोज कर दें, दैट मीन जो 3 साल के बाद का जो मेरा अमाउंट बनेगा सारे अमाउंट को आज ही दे देंगे, तो कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट भी माफ होगा। फोरक्लोज किए, NOC लिए, सेवा समाप्त और आप गाड़ी आपकी हो गई, या तो आप ड्यू अमाउंट दीजिए आज तक के डेट का ड्यू अमाउंट विद फाइन, या नहीं तो आप गाड़ी का फोरक्लोजर अमाउंट दीजिए जो कि लोन किस्ती के लास्ट में होता है, वो आज ही देगी, आपने सेटल कर लिया लोन को, NOC दे लिया।
अब बात आती है भैया, ये दोनों सीन करने की स्थिति में आप नहीं होते हैं, या तो आप लोन नहीं मिल पाता दोस्तों से संबंधित से या बैंक से, आप ना फ्रोड क्लोजर दे पा रहे हैं ना ड्यू अमाउंट दे पा रहे हैं। अब आता है आपका प्रश्न कि भैया गाड़ी ले जाओ, हमको गाड़ी हम नहीं चलाना है। आपके बोल देने से गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी ऐसा थोड़ी टर्म्स कंडीशन में, जब तक चलाना चलाइए उसका गाड़ी जमा कर दिए काम खत्म। जी नहीं, यदि ऐसा बोल के किसी बैंक का एग्जीक्यूटिव आपको लोन बेचा है, सेल्समैन लोन बेचा है, तो आप लोन लेने वक्त अलर्ट हो जाए, ये सारी बातों को समझ जाए, वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब दो विकल्प है आपको, या तो हम गाड़ी को सरेंडर कर देंगे, गाड़ी को सरेंडर करेंगे तो क्या विकल्प होगा, यदि इस दिन आपका वैल्यू था कितना 100 रुपए, मान के चलते हैं आपका सारा इंटरेस्ट और फाइनेंस और लगा के 100 रुपए बनता है, गाड़ी आप सरेंडर कर दिए, बैंक मैनेजर को लगेगा कि यार ये लड़का जो है लोन देने के मूड में है नहीं, झूठ मूड के दौड़ रहे हैं, तो उसको सर सुनिए ना गाड़ी जमा कर दिया, आपसे गाड़ी नहीं चलेगा, आपका ईगो हर्ट हो जाके गाड़ी आप जमा कर दिए तो लोन खत्म होगा, बिल्कुल नहीं। 100 रुपए उस दिन बन रहे थे, गाड़ी आपका क्या होगा, फ्री मार्केट में बिकेगा यानी ऑक्शन होगा। गाड़ी का जब ऑक्शन होता है, मान लीजिए आप किसी आम आदमी को गाड़ी बेचते तो गाड़ी बिकता कितना में, 110 रुपया में, तो 10 रुपए रख के 100 रुपए देते, बैंक को काम खत्म था। अब गाड़ी कितने में बिकेगी, 20 रुपया में, यही होता ही है। मान लीजिए 20 रुपए में लोन के गाड़ी ऑक्शन किया, गाड़ी 20 रुपए में बिका, आपका कितना बन रहा था 100 रुपए, 100 से 20 घटा दीजिए कितना बच गया, 80 रुपया, 80 रुपया यानी 80 रुपीज के लिए आपको नोटिस आएगा और आपको देना पड़ेगा, चाहे 1 साल में दें कि 10 साल में दें, और लोन नहीं तो केस चलेगा, केस खत्म हुआ तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन जो अवार्ड आएगा आर्बिट्रेशन का, वो एग्जीक्यूट करा लिया जाएगा, आपके भाषा में आम बोलचाल की भाषा में केस चलेगा, केस आपका आपके ऊपर सिविल तो खराब होगा ही होगा, आपको लोन को सेटल आज निकल करना पड़ेगा। चलिए अरे भैया ठीक है, रुपया नहीं है, सरेंडर नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, सरेंडर भी नहीं कर रहे हैं ना, फोरक्लोज कर रहे हैं ना, ड्यू अमाउंट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये तो होना ही होना है, गाड़ी को उठा के लेके चला जाएगा, या तो दरवाजे से लेके जाए, या मार्केट में चला रहे थे, सीजर आया, 4-5 लोग मिलके गाड़ी को आपका इंपाउंड करेगा या सीज करेगा और लेके गाड़ी चली गई। अब समझिए, समझिए ये दोनों सिनेरियो में यही होगा, इसे हमने हिंदी में लिखा परिणाम, समझिए दोनों में क्या होगा, आपको क्या होगा, आपके पास विकल्प है, सरेंडर किए कुछ दिन रुपया का इंजाम हो गया, सरेंडर नहीं किए गाड़ी को सीज करके लेके चला गया था सीजर, आपको रुपया का जुगाड़ हुआ, 2-3 दिन बाद गए गाड़ी को बैंक में या कंसर्न इंस्टीट्यूशन में गए, रुपया दिए, गाड़ी को रिलीज करा लिया, रुपया दिए मतलब ये दोनों सीन में कुछ भी हो सकता है, 99% चांस आपको ये देना होगा, जब गाड़ी खींच लिया जाता है या गाड़ी जमा कर दिया जाता है तो बैंक तब तक गाड़ी का लोन नहीं देगा जब तक फोरक्लोज ना हो जाए, या आपका टर्म्स अच्छा है बैंक मैनेजर से तो आपको ड्यू अमाउंट देके भी गाड़ी छोड़ सकता है, तो सिनेरियो दोनों से कुछ भी होगा तो यही होगा। दूसरा, आपके पास रुपया है ही नहीं ना, आपका मन जो होगा देखा जाएगा, हमारे यहाँ बोला था जो खाना उखार लीजिए, ये लैंग्वेज हम मेरे साथ यूज हुआ है जब मैं बैंक में हुआ करता था, तो ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या क्या कर सकती है बैंक। दूसरा, प्री सेल नोटिस आएगा, गाड़ी यार्ड में पड़ी हुई है, गाड़ी बेचने से पहले आरबीआई का सर्कुलर है, बिना प्री सेल नोटिस का गाड़ी नहीं बिकेगा, चाहे वो बैंक मैनेजर देख रहे हो या किसी बैंक के इंस्टीट्यूशन के स्टाफ देख रहे हो या व्हीकल ओनर देख रहे हो, तो ध्यान रखिएगा, विदाउट प्री सेल नोटिस यदि गाड़ी बिका है तो हाईकोर्ट का दरवाजा खुला है, आराम से आप रिट फाइल कर दीजिए। गाड़ी का प्री सेल नोटिस आया, आपके पास दो विकल्प, जाएंगे गाड़ी का रुपया देंगे, गाड़ी रिलीज करा देंगे, और अभी भी हम एडमेंट है, जिद्दी है, नहीं दे पाएंगे रुपया, या आपको रुपया है ही नहीं, देंगे कहां से, गाड़ी रिलीज नहीं कराते आप, जब रिलीज नहीं कराते हैं तो क्या हो जाएगा, गाड़ी कुछ दिन बाद गाड़ी का तो वैसे डिटोरिएशन हो रहा है यार्ड में, पानी धूल मिट्टी सब लग रहा है उसपे, तो कंपनी भी चाहती है ज्यादा से ज्यादा दाम में बिके ताकि मेरा रिकवरी हो पाए, तो गाड़ी हो गया ऑक्शन, ऑक्शन हो गया तो क्या सीन बनेगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 100 रुपए की गाड़ी 20 रुपए में, 30 रुपए में, एक सीनरियो और है गाड़ी बिक जाती है 105 रुपया में, 100 रुपए देके 5 रुपए आपको सेटल किया जाएगा, आपको लौटाया जाएगा एज पर रूल, सच्चाई क्या है वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। चलिए ऑक्शन हुआ, गाड़ी में बैलेंस बच गया, 100 रुपए की गाड़ी थी 25 रुपए में बिका, 75 रुपए बैलेंस बच रहा है, 75 रुपीज के लिए क्या होगा, पोस्ट सेल नोटिस, भैया आपकी गाड़ी आई थी मेरे पास इम्पाउंड, या तो आप सरेंडर किए थे या नहीं तो हमने इम्पाउंड किया, दोनों ही हालात में मैंने वेट किया, आप नहीं आए, आपको प्री सेल नोटिस दिया, आप नहीं आए, गाड़ी को हमने बेच दिया, उसका यह रुपया बनता है, यह रुपया यदि बैलेंस अमाउंट इतना दिन तक नहीं देंगे तो हम आप पे केस करेंगे, पोस्ट सेल नोटिस आया, आपको लगा यार ठीक है अब तो 75 रुपए बचा, आपको देना ही पड़ेगा तो केस भी हो जाएगा, आप गए पेमेंट और बैलेंस अमाउंट, उस समय जो बैलेंस अमाउंट बचता है इसे मेंशन होगा नोटिस में, पोस्ट सेल नोटिस में, आप दीजिए और एनओसी लीजिए, चलिए भाई राहत मिला हमको, चलिए ठीक है, नहीं दे पा रहे बैलेंस अमाउंट, चाहे जिद्दी है आप तभी नहीं दे पाए, या तो आपकी अवस्था ही नहीं देने रहे, आप करेंगे क्या, नहीं दे पाते हैं, नो पेमेंट, दूसरा ऑप्शन पेमेंट नहीं किए पोस्ट सेल नोटिस के बाद भी, तब आप पे क्या होगा, केस फाइल हो जाएगा,
केस फाइल होता है तो आपका 99% चांस आर्बिट्रेशन होगा। आर्बिट्रेशन होगा तो आर्बिट्रेशन प्री आर्बिट्रेशन होगा, ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन नोटिस जाएगा, यदि आप दो डेट पे नहीं आते हैं तो पोस्ट एक्स पार्टी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे अवार्ड पास करेंगे आर्बिट्रेटर साहब अवार्ड पास किए उस अवार्ड अमाउंट को आपको पे करना पड़ेगा। अभी भी चांस नहीं दे रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट करा लिया जाता है सिविल कोर्ट से। यह है व्हीकल लोन का सारा इतिहास। यदि आप लोगों को समझ में आ गया वीडियो तो आम लोगों तक जरूर पहुंचाए।